रानी बा त्रय माता न्यूज चैनल में देखने वाले सभी दर्शकों को स्वागत। हमारी खेती सुपा काली इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट में डूबकर 37 साल हो के गए हैं, लेकिन आज तक हमारे परिवार को सरकार ने पर्याप्त नहीं दिया। सुपा किसान माताओं की जमीन सुपा काली इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट में डूबा है। कहीं माताओं को आज तक सरकार ने परिहार धन नहीं दिया है, कहीं माताओं को थोड़ा सा सरकार ने परिहार धन दिया है। हमारी जमीन पर सरकार ने 26 थाए 1985 को सरकार ने हमारी जमीन पर कब्जा किया था, लेकिन आज तक हमारे परिवार को सरकार ने परिहार धन नहीं दिया है। मैंने 2014 को बेंगलुरु फ्रीडम पार्क में मैंने प्रोटेस्ट किया था 9 महीने तक, लेकिन माजी मुख्यमंत्री सिद्धरामैया जी सरकार ने हमें देखा तक नहीं है। सिद्धरामैया जी के सरकार ने हमें मेरे माताओं को अन्याय किया है। सुपा किसान माताओं की जमीन छीन कर सरकार ने सुपा डैम में डुबाया है। उनकी भूख उनकी खुशी सरकार ने सुपा डैम में डुबाया है। जिन माताओं को सरकार ने आज तक अन्याय किया है, उन माताओं के न्याय के लिए मैंने माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को मैंने अर्जी दिया था। अर्जी देकर 1 साल होने आए हैं। मेरे किसान माताओं को जो अन्याय हुआ था, मेरे किसान माताओं ने माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी पर विश्वास रखा था। जो विश्वास का, मेरे माताओं का विश्वास का मोदी जी ने क्या किया? माननीय प्रधानमंत्री कार्यालय से 25/3/2022 को मेरे घर लेटर आया था। लेटर आकर आज तक कितने महीने हो गए हैं, लेकिन मेरे माताओं को माननीय प्रधानमंत्री जी ने न्याय नहीं दिया। हमारे कर्नाटक में कितने सीएम बनकर गए हैं, मेरे सुपा किसान माताओं की जमीन जो सरकार ने छीना है, उनको आज तक कहीं माताओं को न्याय सरकार ने नहीं दिया है। मैंने माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को वीडियो की मैंने ट्वीट किया था। मैं माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को कहना चाहता हूँ, मेरे माताओं को न्याय देना चाहिए। आप कहते हैं सबका साथ मंत्र सबका का मूल है, सबका साथ। मेरे माताओं को 37, 38, 40 साल हो गए हैं, लेकिन कहीं मेरे किसान माताओं को आज तक सरकार ने परिहार धन नहीं दिया है। माननीय प्रधानमंत्री कहते हैं सबका साथ सबका विकास, लेकिन मेरे माताओं के साथ कितना अन्याय हुआ है आप देखिए। मेरे सुपा किसान माताओं की जमीन सरकार ने छीन कर उनकी खुशी उनकी भूख सुपा डैम में डुबाया है। 38, 40 साल हो गए हैं, लेकिन कहीं मेरे सुपा किसान माताओं आज तक न्याय नहीं मिला है। परिहार धन सरकार ने नहीं दिया है। बहुत बड़ा मेरे सुपा के कई किसान माताओं को सरकार ने अन्याय किया है। माननीय प्रधानमंत्री जी किसानों के बारे में बहुत बोलते हैं, किसान मेरे किसान माताओं ऐसी थी, मेरी किसान माता ऐसी है, पेट के भूख को जो घास खिलाने वाली अन्न दाते हैं, ये अन्न दाते को कैसा सरकार ने अन्याय किया है प्रधानमंत्री आप देखिए। आपको अर्जी देकर कितने महीने हो गए हैं, लेकिन मेरे माताओं का जो विश्वास था आप पर, आपने जो विश्वास का क्या किया है प्रधानमंत्री आप देखिए। आपको मैंने ट्वीट किया है, कितने बार मैंने वीडियो बनाकर मेरे माताओं का जो अन्याय हुआ था, जो अन्याय के बारे में मैंने आपको वीडियो बनाकर कितने बार ट्वीट किया था। कई मंत्रियों को मैंने वीडियो बनाकर ट्वीट किया था, किसी ने हमें रिप्लाई आज तक नहीं दिया है। माननीय प्रधानमंत्री जी को मैं कहना चाहता हूँ, मेरे माताओं को न्याय देना ही चाहिए, यही मेरी माननीय प्रधानमंत्री जी से मांग है। धन्यवाद। जय हिंद, जय कर्नाटक।